जनसंपर्क का कार्यक्रम है जो निरंतर चल रहा है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, कल घोषित हो सकते हैं, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं अपनी पार्टी का प्रदर्शन? हमारी पार्टी ने लगातार, आपने देखा कि 3 साल में इजाफा किया है। अभी पीछे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव में हुए, उसमें भी हमारे वोट की बढ़ोतरी हुई, और पंचायत के चुनाव में भी और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम। अच्छा, जो दिग्विजय लगातार कह रहे हैं दुष्यंत सीएम होंगे, तो उसमें भाजपा की मदद होगी या अपने बलबूते पर होंगे? तो उस टाइम हालात देखे जाते हैं। एक डॉक्टर साहब, कांग्रेस में जो चल रहा है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अब कांग्रेस लगातार धरातल में जा रही है। नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस ख़त्म होकर के अब डमी कांग्रेस बनने जा रही है। खड़गे जी तो बिल्कुल ही डमी हो गए। अच्छा, दीपेंद्र कह रहे हैं कि जो जेजेपी का गठबंधन था जनता से, वो उस समय टूट गया था जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था। अच्छा, तो और कांग्रेस से मिला लें। एक डॉक्टर साहब, लगातार इसके विरोध में हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनसे हाथ मिला लें। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी शुरू से सहयोगी रही है, कभी वो छोटे पार्टनर थे तो कभी हम छोटे पार्टनर हैं। अच्छा, नगर निगम चुनाव की आपने बात कही, तो ये बीजेपी तय करेगी कि मिलकर लड़ना है या जेजेपी का भी? दोनों मिलकर के तय करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार आपका जनाधार बढ़ रहा है शहरी क्षेत्र में, जब से जिलाध्यक्ष राजेश भाटिया जी बने हैं जी, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो कार्यकर्ता हैं अभी भी आपस में खींचतान रखते हैं। देखो, मन भेद कहीं बढ़ रहा है, जब परिवार बढ़ता है तो मन भेद भी बढ़ जाते हैं, ये चलता रहता है सब। अच्छा, आप कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी,